Hello guys, kiddam, welcome back to my channel. I hope you and your family are keeping safe. Guys, first of all, thank you so much live stream pe itna zyada pyar dene ke liye. It was great fun, matlab dance kara, kafi enjoy kara. I'm sure aap logo ko pasand aaya hoga. And jin logo ne ye video live stream abhi tak nahi dekhi hai, please jaake live stream dekho. It was great fun with you guys. So, aaj ka plan, jin logo ne live stream dekhi hai, unko already pata hai ki aaj ka vlog kis bare mein. Aur jinko nahi pata hai, today I am actually going to Birmingham to cover and explore for my vlog. So, आज अर्ली मॉर्निंग में उठ के रेडी हो गया था बिकॉज इट्स ए लॉन्ग ड्राइव, दो घंटे की ड्राइव है, तो सोचा कि फटाफट रेडी होके निकल जाते हैं. एंड तो यहाँ मैं हूँ, कॉफ़ी ले ली एज यूजुअल. दो घंटे ड्राइव करने के बाद फाइनली मैं बर्मिंघम पहुँच गया हूँ. अब ड्राइव करने में इतनी डिफिकल्ट हुई नहीं बिकॉज बहुत एक्साइटेड था कि बर्मिंघम आ रहा हूँ. और यहाँ आने के बाद वीडियो की शुरुआत सब्ज़ी मंडी से करी जाए. हाँ, वही सब्ज़ी मंडी जो इंडिया में भी होती है, केले 25 रुपए दर्जन, केले 30 रुपए दर्जन, वो सब. तो मैं मेन टाउन सेंटर में आ गया हूँ जहाँ पे मेन मार्केट है और जहाँ पे सब्ज़ी मंडी भी लगती है. तो अगला क्लिप सब्ज़ी मंडी का देखो, तब तक मैं वॉक करके अगली जगह ढूँढता हूँ. अभी मैं जिस जगह पे वॉक कर रहा हूँ इसको टाउन सेंटर बोलते हैं. आप टाउन सेंटर बेसिकली क्या होता है कि हर सिटी का एक सेंटर पॉइंट होता है जहाँ पे सारा मार्केट होता है, शॉप्स होती हैं, गैलरीज होती हैं. तो हर सिटी में होता है, मैनचेस्टर में हो गया, बर्मिंघम में हो गया, लंदन में हो गया, देयर इज़ ऑलवेज अ टाउन सेंटर. तो अभी मैं उस टाउन सेंटर में वॉक कर रहा हूँ. और कैसा लगा तुम्हें सब्ज़ी मंडी वाला क्लिप? एक्सपेक्ट किया था कि तुम्हें यूके जैसी जगह पर सब्ज़ी मंडी मिलेगी? मैंने भी नहीं किया था जब मैं पहली बार आया था, बट देयर इज़. तो चलो अगली जगह ढूंढते हैं. गाइस, ये वो जगह है जहाँ पे मैं सलिंगा मलिंगा से मिला था, एक लेजेंड से. ही वॉज लिटरली कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट बॉलर ऑफ हिज ओन टाइम. और ऐसी एक एक हिस्ट्री में इनका लिखा जाता है कि मलिंगा वॉज दी ओनली बॉलर जिसने चार विकेट्स लिए चार कंसेक्यूटिव बॉल्स में, वो भी इंटरनेशनल क्रिकेट में. वो जगह जहाँ पे मैं श्वेता सिंह से मिला था, आज तक की रिपोर्टर. उनके साथ तो बहुत फ़नी इंसिडेंट हो गया था. वो और उनके कैमरामैन यहाँ पे थे, कुछ कवर कर रहे थे. तो मैं तो उनको बोला चलो घर ही चलते हैं, चाय वाय पीते हैं. हाँ, तो भाई अपने दूसरे देश में अपने ही अपने के काम आते हैं ना. तो उनका कैमरामैन लिटरली मेरे साथ चलने भी लगा था. तो श्वेता सिंह बोली कहाँ जा रहे हो तुम? तो फिर वो ऐसा हो गया कि हमने बाय बाय करके लोग अपना चले गए. जनरली क्या होता है, ये जो साइंस म्यूजियम है पीछे, राइट, यहाँ पे जब भी अपने मैचेस होते थे, आईसीसी की जो चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी वो यहाँ पे प्रोजेक्टर पे डिस्प्ले करी थी. और काफ़ी इंडियंस, काफ़ी पाकिस्तानी भाई सब लोग आए हुए थे. हम लोग यहाँ पे बैठ के मैच एंजॉय कर रहे थे. स्टेडियम में जाके नहीं कर पा रहे थे, बट यहाँ पे करके एंजॉय किया, हमने बहुत मज़ा आया यार. तो जिन लोगों ने मेरे फायर क्रैकर वाला व्लॉग देखा है जिसमें मैंने फायर क्रैकर बनाया था, वो एक्चुअली इस पीछे रेस्टोरेंट दिख रहा है, वागा मामास, इस रेस्टोरेंट से इंस्पायर्ड था. ये रेस्टोरेंट ऐसा एक रेस्टोरेंट था बर्मिंघम में जिसमें मैं रेगुलरली आता था फ्राइडेज़ को. एवरी फ्राइडे और सैटरडे इस रेस्टोरेंट में आके मैं डेफिनेटली खाना खाता ही था, और खाना सिर्फ फायर क्रैकर ही खाता था. तो मैंने वो रेसिपी सीख ली. मैं बोला भैया लॉकडाउन में कहीं तो जा नहीं पा रहे, कुछ बना नहीं पा रहे, तो फिर मैंने वो रेसिपी सीख ली और मैं घर पर ही बनाने लगा. तो अगर तुम लोगों ने मेरा फायर क्रैकर वाला व्लॉग नहीं देखा हुआ है तो प्लीज़ जाके फायर क्रैकर वाला व्लॉग देखो, बनाओ एक बारी घर पे बैठ के. जेन्युइनली स्पीकिंग बहुत बढ़िया बनता है, बहुत टेस्टी होता है यार फायर क्रैकर, आई लव इट. क्लिप दिखाई ये थी एप्पल स्टोर की क्लिप. देख रहे हो कितना अमीरों वाला स्टोर है, मतलब यहाँ पे अमीर लोग ही जाते हैं.
प्रोडक्ट खरीदने के लिए. और मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, जब मैं अपना आईफोन 10 ले रहा था, जब ये लॉन्च हो रहा था सितंबर में कपल ऑफ इयर्स बैक, तो इसके स्टोर के बाहर रात को मैंने 8 घंटे या 9 घंटे बिताए हैं कि इसके लॉन्च के दिन सबसे पहले मुझे फ़ोन मिले, और मैंने ले लिया था आईफोन 10. उसके बाद मैंने रियलाइज़ करा, दो दिन रुक जाता तो फिर मिल जाता यार, वो लास्ट वहाँ पे बैठने की कोई ज़रूरत नहीं थी. और ये एक स्पॉट है जहाँ पे मैं कल होना हो के नहीं कल होना हो नहीं कहो ना प्यार है सॉरी कहो ना प्यार है और अपना गोलमाल का वो दस्ता ना ब्रिजेश, यहाँ पे मैं उससे मिला था. एंड वी हैड ए नाइस चैट और फ़ोटो वोटो खिंचाई. ये वो जगह थी जहाँ पे वो गुजरात मूवी की शूटिंग कर रहा था, गुजराती मूवी थी एक, उसकी शूटिंग कर रहा था. उसकी पिक्चर भी मैं साथ में डाल दूंगा. मिलते रहते थे यहाँ पे, मतलब ये क्योंकि यहाँ पे शूटिंग बहुत ज़्यादा होती रहती है तो एक्टर्स मिलते रहते थे. जब बर्मिंघम आया ही हुआ था तो मैंने सोचा गुरुद्वारे के भी दर्शन कर लेते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से गुरुद्वारा बंद था, तो बाहर से दर्शन हो गए. आई होप आप लोगों ने भी दर्शन कर लिए हैं गुरुद्वारे के. गुरु नानक साहब का गुरुद्वारा था ये. तो अभी मैं आ गया हूँ सोहो रोड. सोहो रोड पूरी एशियन कम्युनिटी है, सब कुछ, छोटे से छोटी चीज़ सब चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ पे आपको सोहो रोड पे. गुरुद्वारा हो गया आपका, बैंक्स हो गए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, चाय, मसाले वाली चाय सब मिल जाता है सोहो रोड पे भाई. Spreading all around my room, my world so bright, it's hard to breathe. और तो भाई घर जाने की हो रही थी अब तैयारी, बर्मिंघम से निकल गया था. एक्सप्रेसवे पे ऐसा जाम लगा है पिछले 25 मिनट से, ट्रैफिक स्टिल है, ना आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है, 25 मिनट से गाड़ी वहीं की वहीं खड़ी हुई है. और अभी अनाउंसमेंट हुआ था रेडियो पे कि वो रोड ही क्लोज कर दिया, तो अब जब तक वो क्लियरेंस नहीं होगा आगे गाड़ियां नहीं मूव होंगी, तो वी लुकिंग एट अराउंड एक घंटे का, एटलीस्ट एक घंटे का वेट है ट्रैफिक का, ऐसे ही खड़ी रहेगी गाड़ी. एक्सपेक्ट नहीं किया था, थोड़ा जल्दी निकल जाता ना, 15-20 मिनट पहले भी निकल जाता, ये क्लियर मिलता और मैं फटक से घर पहुंच जाता. अनफॉर्चुनेटली बैठना पड़ेगा. पंजाबी गाने लगाए मैंने, एकदम मस्त म्यूजिक सुन रहा हूँ, बजते जा रहे हैं. हाँ तो गाइस, 3 घंटे की ड्राइव करने के बाद थक हार के मैं फाइनली पहुँच गया हूँ घर पे. बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो गया ड्राइव कर करके, बिकॉज ट्रैफिक जाम बहुत ज़्यादा लगा हुआ था और ट्रैफिक स्टिल खड़ा था, मतलब आधे घंटे के लिए तो ट्रैफिक मूव ही नहीं कर रहा था, बट फाइनली घर आ गया. तो आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, बर्मिंघम एक्सप्लोर करने में मज़ा आया होगा मेरे साथ, पुरानी यादें काफ़ी ज़्यादा ताज़ा हो गई. इफ़ यू डू लाइक द वीडियो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड बेल आइकन दबाना मत भूलना भाई, प्लीज़ जाके बेल आइकन दबाओ. तब तक के लिए स्टे सेफ, बी हेल्दी, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. इट्स अ रैप.